590 रन कराए इससे आईपीएल के अंदर, जब क्वालिटी किसी के ओपोनेंट के आगे आएगा ये पूरी तरह फंस जाएगा। 66 पे 4 आउट है और बाबर आजम शदाब नवाज, शदाब नवाज और 42वां ओवर भी शदाब। अंदाजा लगाएं आपके कप्तान की दिमागी हालत, इसे किसी नफ्सियाती उस डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से चेक कराएं। अगर इससे शामी होता अभी 266 रन, आप मुझे बताएं शामी इतने 3 रन तो शामी आंखें बंद करके कर लेता। ड्रामे आपने देखने हो पाकिस्तान की टीम को, देखें फिर देखें, इतने अच्छे माहौल में क्रिकेट हो रही है। हारिस राउत साहब ने आउट किया, हा हू ही, अबे भाई तुझे उन्होंने धो के रख दिया। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। क्या ही बात करें भाई, क्या ही बात करें। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की बात की जा सकती है, उन्हीं की बात होनी चाहिए। चौके भी लगे, छक्के भी लगे, इन चौके छक्कों की अब बात नहीं होगी, अब सिर्फ बात होनी चाहिए रन्स की। करते कराते 266 लग गया है बोर्ड पर, अब कुछ मदद हो पाएगी भारतीय गेंदबाजों की, अब उनकी काबिलियत उनका जौहर दिखाने लायक स्कोर है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या न होते तो आप सोच सकते हैं क्या होता। 10 विकेट पूरी की पूरी खो दी भारत ने, 266 लगे हैं बोर्ड पर। अब अपनी कहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। और आज जैसे प्रेशर आया तो ये होता जी प्रेशर में काम, कप्तान भी बीच में बड़ी अजीबोगरीब, फील्डिंग ऊपर से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और आउट ऑफ द सिलेबस ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन का जो प्रेफरेबल जो स्पॉट है वो ओपनिंग है, ओपनिंग पे वो पसंद करता है बैटिंग करना, लेकिन ओपनिंग की बजाय वो नीचे, आज उसको मौका मिला है और आके उस पोजीशन से टीम को कहां से कहां ले गया कि जब टीम डाउन और मेन प्लेयर्स आउट होके चले गए थे। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बिकॉज पाकिस्तान दे हैव टेकन देयर विकेट, शाहीन दे टुक देयर विकेट, ही टुक देयर विकेट, लेकिन उसके बाद पांड्या और फिर ईशान किशन दे वर टू गुड, ऑलमोस्ट डन अ बॉल उन्होंने रन किए और प्रेशर पूरा पाकिस्तान पे डाल दिया। ये जनाब उन्होंने परफॉर्मेंस आज दिखाई है। एनीवेज एंड में थोड़ा सा अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने, ऐसा लग रहा था कि 300 रन बोर्ड पे आ जाएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। तो जी मोहसिन अली साहब, ये क्या हो गया देखते देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज बिलों में घुसने का टाइम है, आपके बाबर आजम की शानदार जानदार दमदार कप्तानी का पर्दा ऐसे फाश हुआ, ये जो चुन्ने मुन्ने मोहसिन अली को पता नहीं किसके साथ एक्सपोज करते थे, आज वो नजर आ गया। आपको कहा था इनका मिडल ऑर्डर, आप लोग कह रहे थे कैसे मिडल ऑर्डर, रेस्ट करके आ रहे हैं फलाना करके, ये तो बारिश ने जब रोहित और वो बैटिंग करने आए हैं, और जो लोग रोहित को ब्लेम कर रहे हैं कि बैटिंग क्यों ली, बाबर ने भी कहा मैंने बैटिंग ही करनी थी। तो बात यह मेरे भाई के बारिश आई, रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहा था जिस वक्त तक बारिश नहीं आई, उसके बाद रोहित शर्मा बोल्ड, गिल आप खिलाएं, दबा के इसको T20 खिलाएं, टॉप क्लास T20 खिलाएं, 890 रन कराएं इससे आईपीएल के अंदर, जब क्वालिटी किसी के ओपोनेंट के आगे आएगा ये पूरी तरह फंस जाएगा। 66 पे 4 आउट है और बाबर आजम शदाब नवाज और 42वां ओवर भी शदाब। अंदाजा लगाएं आपके कप्तान की दिमागी हालत, इसे किसी नफ्सियाती उस डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से चेक कराएं कि इसने 66 पे 4 से ना नवाज लाया, ना अपना नसीम लाया, ना रऊफ को लगाया, ना शाहीन को लगाया, इसने अलाउ किया, टेक नथिंग अवे फ्रॉम ईशान किशन, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड लानत है उन लोगों पे जो हार्दिक पांड्या के पीछे हाथ धो के पड़ जाते थे। भाईजान 138 रन, वो 138 रन की जो पार्टनरशिप है उसने मैच का पासा तले पड़क के रख दिया। बाबर आजम की जानदार दमदार सुपर से ऊपर कप्तानी, देखे पहले आप कप्तानी में बात देखो, शाइन वापस आया, रऊफ वापस आया, पार्टनरशिप टूटी, 204 पे 5वीं गिरी, 239 पे 6वीं, 242 पे 7वीं, वो देखे इन्होंने, इंडिया ने कंप्रोमाइज किया कि जनाब ठाकुर जो है रनों के ढेर लगाएगा, शाहीन को छक्के मारेगा, बाबर को छक्के मारेगा, रऊफ को छक्के मारेगा, वो बकरी बना के वो गया। आप मुझे ये बताएं अगर इससे शामी होता अभी 266 रन,
आप मुझे बताएं, शामी इतने 3 रन तो शामी आंखें बंद करके कर लेता। अगर बुमराह आपके तीनों फास्ट बॉलरों को चौके मार सकता है तो शामी भी मार सकता है। मैंने आपको दिन के शो में भी कहा था, पार्टनरशिप थी जिसने मैच जिताया था ने इंग्लैंड के खिलाफ। पूर्व कप्तानी समीर कह रहे हैं और फिर बारिश की बात कर रहे हैं। सीम और स्विंग शुरू में मुश्किल था, बाद में विकेट आसान हो गई, इजी चेज है, ये समीर साहब कह रहे हैं। देखिए जी, इतना टोटल जो है वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान प्रेशर गेम में बिल्कुल भी इजी चेज नहीं है। सर ऋषभ आउट ऑफ सिलेबस था, वो 3-4 मैचेस से 50 करके आ रहा था। मतलब उसकी कंफर्टेबल पोजीशन तो ओपनर है ना, वो जिस पोजीशन पर आया वो बात मैं कर रहा हूँ, वरना तो बाकी पता ही है। वरुण चड्ढा साहब कहें जनाब, शॉकिंग कप्तानी बाय बाबर, बोल्ड 21 ओवर्स ऑफ स्पिन व्हेन ओनली 20 वर नीडेड, ही शुड हैव बोल्ड पेसेस अर्लियर एंड गॉट इंडिया ऑल आउट बिलो 200। जी ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं, इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स पास्ट में भी के 58 पे 5 आउट होते हैं श्रीलंका के, वो 170 कर जाता है, मैच जीत जाते हैं। तो ये बार बार ये काम हो चुका है, बार बार पाकिस्तान 60 पे 4 आउट करने के बाद टॉप ऑर्डर दे शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड इंडिया अराउंड 200-220 मैक्सिमम, लेकिन ये ऊपर जो 50-60 रन ऊपर आए हैं तो आप ये करते करते इनको पता चलेगा। एनीवेज दोस्तों, आप तकरीबन 10,000 दोस्त साथ हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, इट टेक्स जस्ट अ सेकेंड, लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट लाइक और सब्सक्राइब। क्या बैटिंग की है यार उस बच्चे ने, कमाल कर दिया उसने, धागे खोल दिए पाकिस्तान के। उसने बाबर आजम को बीच चौक में रख के खड़ा करके बोला ये तेरी कप्तानी, ये तेरा बेस्ट अटैक, ये तुझे इस पे लोग। अगर बाबर आपका कप्तान रहा, आप कोई बड़ा टाइटल जीत गए, अगर मैं ना भी आपके साथ हुआ, मैं फिर भी आके आपको एक अदद शुक्रिया का यूं खड़े होके मैं आपको यूं सलूट करूंगा। जो इसको सर पे चढ़ाते हैं आज इसने मरवा दिया। ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक टेस्ट नेस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अय्यर का अनलकी है कि सीधा इतना परफेक्ट शॉट था, सीधा फकर। इतनी थर्ड क्लास आपकी फील्डिंग है, इतनी घटिया आपकी फील्डिंग है, आप तो फील्डिंग आती नहीं है, कप्तानी आपको नहीं आती, फील्डिंग आपको नहीं आती, बॉलिंग आपको नहीं रुटेट। अब मुझे बताएं, एक ओवर जो नसीम शाह का 7 हुए, हारिस राव 10 ओवर पूरे करता, जो नसीम शाह का एक ओवर है अगले मैच में 11 ओवर देंगे उसे। ये बाबर आजम को कप्तानी, ये पाकिस्तान ऐसे हो गया था, उसका रन उड़ गया, कैसे ऐसे हो गया। और ये जो आपने रिजवान रखा हुआ, ड्रामे करा ले, पता है कोई नहीं, आप रिव्यूज आया करा ले, ग्राउंड के अंदर जितने ड्रामे आपने देखने हो पाकिस्तान की टीम को देखे, फिर देखे इतने अच्छे माहौल में क्रिकेट हो रही है। हारिस राऊ साहब ने आउट किया, हा हु ही, अबे भाई तुझे उन्होंने धो के रख दिया। हार्दिक पांड्या ने तुझे 3 चौके मार दिए, बंदे को खुद थोड़ा सा अपना देखे, एंजॉय करे। पाकिस्तान विल लूज बिकॉज ऑफ पुअर कैप्टनसी एंड पुअर फील्डिंग, टॉप बॉलिंग से केवल मैच ही जीता जा सकता। गुड लक, इंशाल्लाह इंडिया विल विन। राहुल जी, बात आपकी ठीक है, सिर्फ बॉलिंग और वो भी सिर्फ ये देखें, बॉलिंग बॉलिंग पाकिस्तान की करते हैं लोग, फास्ट बॉलिंग बोला कर, फास्ट बॉलिंग 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 सिर्फ ना बोला कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, साथ में फास्ट बॉलिंग भी लगाया करें कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। स्पिनर के जो 15-20-22 ओवर करने हैं वहां पे क्या है, वहां पे तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। वी डोंट हैव सईद अजमल उस तरह का बॉलर, मिडल ओवर में 2-3 विकेट कोई नहीं हमारे स्पिनर्स दे के पाते। स्पिनर्स जब विकेट नहीं लेंगे 2-3 तो फिर कैसे चलेगा। फास्ट बॉलर जब भी बोले आप पाकिस्तान की अच्छी है बॉलिंग अच्छी है तो साथ में मेंशन किया करें फास्ट बॉलिंग। स्पिनर जो है हमारे एवरेज है, बिलो एवरेज है, बल्कि आउट ही नहीं कर होता कोई उनसे। और फील्डिंग आज तो ऐसी थर्ड क्लास फील्डिंग की है, लग रहा था कोई क्लब लेवल की टीम भी इससे अच्छी फील्डिंग कर रही है। अरुण कुमार कह रहे हैं, तो दोस्तों ये है कहानी अब तक की, आगे की कहानी भारतीय गेंदबाजों के हाथ में है। अभी के लिए बस यही, मैच स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तानी बैट्समैन ओपनर क्रीज पर उतर गए हैं, मैच के बाद मिलते हैं। जय हिंद।